एंड मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे सिंटैक्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है एमंग स्कूल एज चिल्ड्रन लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी एंड सिंटैक्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, यानी लैंग्वेज की प्रोडक्शन uh, जैसे अलफाज का अदा करना और सिटेक्टिक प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी यानी ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स को सीख सीखना सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को सीखना ये दीज आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ स्पीकिंग टास्क एंड फेमिलरिफिटी विद द टॉपिक यानी जो आपके टॉपिक्स फेमिलियर होंगे और आपके जो स्पीकिंग टास्क हैं उनसे ये बेहतर होगी और आप उनकी आपकी ये सिंटैक्टिक डेवलपमेंट भी होगी और आपके जो हो लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी भी होगी सो लैंग्वेज डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ साममलटेनियस एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिंटैक्टिक फॉर्म्स तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये एक ही वक्त में साथ साथ चलता रहता है कि आपके वर्ड्स भी आप सीखते रहते हैं नए आप वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस भी बनाते रहते हैं आप ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स भी सीखते रहते हैं ठीक है और एग्जिटिंग जो आपकी सिंटैटिक फॉर्म्स हैं वो आप न्यू फॉर्म्स में भी बदलती रहती है यानी आप नए सेंटेंस सीखते हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करके ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करके फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करके आप उनको बेहतर बनाते रहते हैं अ चाइल्ड कंटिन्यूस विद इंटरनल सेंटेंस एक्सपेंशन बच्चे खुद ब खुद अपने फिक्रों को एक्सपेंड करते रहते हैं और उनको एलेबरेट करते रहते हैं द नाउन एंड वर्ब फ्रेजेस के साथ

तो ये ये भी सारी जो है आपके सिंटेक्टिक डेवलपमेंट और मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है सो ड्यूरिंग स्कूल एज ईयर्स सिंटेक्टिक डेवलपमेंट करेक्टराइज बाय ग्रेजुअल इंक्रीज ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती है इन द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अट्रेंसिस अल्फाज की कॉम्प्लेक्सिटी में uh, उनके उनकी लेंथ में फिक्रों में और इस तरह ये इनमें ग्रेजुअली बढ़ती है और प्रोड्यूस्ड इन स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन तो स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन में ये पैदा होती है यानी बनाई जाती है और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन सिंटेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ग्रेटर ज़्यादा होती है ये कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन दे टॉक अबाउट एरिया ऑफ़ एक्सपर्टी जब वो किसी एरिया ऑफ एक्सपर्टी के बारे में बात करते हैं तो यानी उनकी लैंग्वेज जो है ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट होगी कॉम्प्लेक्स होगी वो रूल्स रेगुलेशन या उनका ज़्यादा यूज़ होगा ऑल द चाइल्ड हैज़ अचीव बेसिक सेंटेंस कॉम्पिटेंस बाई द एज ऑफ फाइव तो पाँच साल की उम्र में वो ये सलाहियत हासिल कर लेता है बच्चा लेकिन फ्यूर दैन फिफ्टी परसेंट ऑफ फर्स्ट ग्रेडर्स तो लेकिन ये कि जो ये आम तौर पर फाइव ईयर का बच्चा फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है तो फिफ्टी परसेंट बच्चों में ये सलाहियत पैदा होती है सो दे कैन प्रोड्यूस करेक्ट प्रोनाउंस काज क्लासेज एंड जेरेंट्स सो फ्यर दैन ट्वेंटी परसेंट ऑफ कैन प्रोड्यूस इफ़ एंड सो क्लाजिज़ एंड पार्टिसिपल्स तो वो जेर एंड का या क्लास का इस्तेमाल वो यानी उनकी जो ट्वेंटी परसेंट उनकी से भी कम हो सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और ये इससे मतलब उनका यूज़ करना जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और लैंग्वेज डिवेलपमेंट और लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी में बच्चों में रफ्तार एक जैसी नहीं होती जेरेंट्स जो वर्ब्स की वो फॉर्म हैं जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करके टू फिलफिल और नाउन फंक्शन मिसाल के तौर पर ही एंजॉयज फिशिंग अब uh, इसमें फिशिंग जो है ये जेरेंट है और इन पार्टिसिपल द सेम फॉर्म फिल्स एन एडजेक्टिव रोल एज इन वी बॉट फिशिंग एक्विपमेंट अब इसमें देखें जो आ, आ, टेंस चेंज हुआ पास टेंस हुआ और फिशिंग जो है ये जेरेंट यूज हुआ है और इस तरह ये यानी ये, ये एडजेक्टिव बन गया तो फिशिंग एकमेंट यानी मछलियाँ पकड़ने के एकमेंट तो ये एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है यहाँ जेरेंट तो इस तरह उनमें तब्दीली है सो so, पार्टिसिपल फ्रेजेस आल्सो कंटेन अदर एडजेक्टिव एंडिंग क्या है ई डी सो बियर्ड स्कॉलर टी अनकेप्ड हाउस एंड ई एन ब्रोकन एरो तो ये इस तरह सफेक्सेस को हम यूज़ करके इनके जो वर्ड्स के मीनिंगस uh, चेंज हो जाते हैं वन वर्ड्स की डायमेंशन चेंज हो जाती हैं तो ये भी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी का और सिंथेटिक और मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है सिंटेटिक मार्फोलोजिकल डेवलपमेंट में ये मैं आपके सामने एक समरी पेश कर रहा हूँ स्कूल एज चिल्ड्रन में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर्म किस तरह डेवलप होती है सो फाइव ईयर्स की एज में दे प्रोड्यूस शार्ट पैसि विद लॉस्ट लेफ एंड ब्रोकन अब इसमें क्या है कि सिंटैक्स मॉर्फोलॉजी और फिनोलॉजी तो सिक्स ईयर्स की एज में कॉम्प्रीह पैरल एम्बेडिंग एम्पेरेटिव कमांड्स मैन आर ईयर सफिक्स तो उनकी फोनोलॉजी क्या होगी आइडेंटिफाइज सेलेबस मास्टर रूल्स फॉर एस सा एंड ईयर प्लूरलाइजेशन तो ये नहीं ये साउंड वो प्रोड्यूस कर लेंगे यूज मैनी प्लूरल नाउंस इसमें इज आल्सो एबल टू मैनुपलेट साउंड यूनिट्स टू राइम एंड प्रोड्यूस स्टेम्स तो क्या वो अपनी जो साउंड्स को राइम्स की शक्ल में चेंज करके आ, या स्टेम्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं सेवन इयर्स की एज में आ, बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि कॉम्प्रीहट बिकॉज फॉलो एडल्ट ऑर्डरिंग ऑफ एडजेक्टिव्स। तो वो फोनोलॉजी की जो उनमें चेंज आएगी वो रेकगनाइज अनएक्सेप्टेबल साउंड सीक्वेंस तो वो अनएकसेप्ट साउंड्स जो सीक्वेंस है उसको वो रेकगनाइज कर सकते हैं आठ साल की एज में वो यूज फुल पैसिव एटी परसेंट ऑफ चिल्ड्रन शो यूज ईयर सफिक्स यानी लाह के यूज करके टू मार्क इनिशिएटर ऑफ एन एक्शन सो जैसे टीचर अब इसमें क्या होगा कि इज एबल टू प्रोड्यूस ऑल अमेरिकन इंग्लिश साउंड एंड ब्लेंड्स तो आठवें साल के में ही वो इज एबल टू जज ग्रामेटिकल करेक्टनेस सेपरेट फ्राम सीमेंट सिनटे सीमेंटिक्स तो सीमेंटिक्स से अलग करते हुए और नौ साल की एज में क्या है वो कॉम्प्रीह एंड यूज टेल एंड प्रमिज तो ये उनमें ये इस तरह की लैंग्वेज डिवेलपमेंट की जो uh, पाँच से नौ साल के जो उसका दुरानिया है इसमें ये उनकी लैंगवेज डिवेलपमेंट की जो मॉरफोलोजी uh, और फोनोलॉजी डिवेलपमेंट uh, के जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं अभी जो मैंने आपके सामने इसको बयान की है